17 सूची मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी सुल्तानपुर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। 21 अक्टूबर से निरंतर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे संविदा कर्मचारियों से मिलने संबंधित विभाग से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा तो रुष्ट संविदा कर्मचारी संघ मजबूरन भूख हड़ताल पर उतरा। 24 घंटे से ज्यादा भूख हड़ताल पर बैठे यूनियन संघ अध्यक्ष आनंद अग्रहरी की तबीयत हुई खराब। आपका नाम? उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ जिला मीडिया प्रभारी गणेश प्रसाद तिवारी सुल्तानपुर। आपकी धरना कितने दिन से चल रही है? हमारा धरना ये 21 तारीख से शुरू हुआ है जो कि ये 26 तारीख में आते आते 26 तारीख से मैं पुनः जिला मीडिया प्रभारी गणेश प्रसाद तिवारी और आनंद कुमार अग्रहरी जी जिला अध्यक्ष दोनों भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कल से 26 तारीख से आज 27 तारीख है, दूसरा दिन है भूख हड़ताल का। और आज आपके धरने का सातवां दिन है? आज धरने का हमारा सातवां दिन है। तो आपसे बात करने के लिए कोई अधिकारी हमसे अभी कोई वार्तालाप नहीं हो रही है, ना ही कोई हमसे अभी बात किया है। तो इनको क्या आपकी मांग गलत लग रही है क्या? इनको अब जो भी लग रहा है, जो भी हमारे मांगे हैं वो जायज हैं और जब तक हमारी सभी मांगे पूर्ण नहीं कर दी जाती है तब तक हम ऐसे भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आपके अध्यक्ष जी ज्यादा सीरियस लग रहे हैं। सीरियस है तो इसका भी जवाब हमारे विभाग के और ओरियन कंपनी के ही लोग देंगे। आपका नाम? नाम शेषनाथ पांडे, यूनियन उपाध्यक्ष निविदा संविदा कर्मचारी संघ जिला सुल्तानपुर। आपकी धरना कितने दिन से चल रही है? मेरा धरना 21 तारीख से चल रहा है निरंतर, जो कि अब ये भूख हड़ताल में परिवर्तित हो गया है। हमारे जिला मीडिया प्रभारी एवं अध्यक्ष जी आनंद अग्रहरी कल से ही भूख हड़ताल पे हैं, आज दूसरा दिन है। हमारे अध्यक्ष जी की स्थिति नाजुक होती चली जा रही है, अगर इनसे इनके ऊपर कुछ भी होता है तो यहाँ के जो आश्वासी जनता हैं एवं बोरिंग कंपनी की सारी जिम्मेदारी होगी और हम लोग तब तक ऐसे बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, हमारे अध्यक्ष जी जब तक बहाल नहीं हो जाते हैं। कल आपकी और कंपनी एवं आपके मध्यांचल के बीच कोई वार्ता हुई थी अधिशासी अभियंता के साथ? जी, मध्यांचल से हमारे अध्यक्ष, मध्यांचल अध्यक्ष, मध्यांचल उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और हम लोग थे एक्सिन साहब के ऑफिस में, ओरियन के थे, उनके बीच वार्ता हुई लेकिन जो है वार्ता ठीक से नहीं हो पाई है, विफल हो गई। हम लोग इसी वजह से भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, कोई भी अभी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कंपनी वाले क्यों नहीं आपके सुन रहे हैं, क्या ये लगता है? ये सिर्फ मनमानी कर रहे हैं और ये हमारे अध्यक्ष जी हम लोगों के मसीहा हैं, मजदूरों के मसीहा हैं, क्योंकि इसीलिए इनको जो है ये लोग टारगेट बनाए हुए हैं कि इनको किसी भी हालत में इनको बहाल नहीं होने देंगे। ये आपके यूनियन को कमजोर करना चाहते हैं। हम लोगों की ये भी हट है, जब तक हम अपने अध्यक्ष को बहाल नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से धरने पर नहीं उठेंगे।